हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और यहां पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का आज फिफ्थ पार्ट लेकर चलेंगे और काफी बेनिफिशियल आज की क्लास है, क्योंकि यहां पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगले 10 से 15 मिनट की क्लास, बिल्कुल जुड़े रहे अंत तक, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चले। तो अगर आपने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो मुझे नहीं लगता फिर इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाले, क्योंकि एवरेज स्पीड से जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं वो सब मैं यहां पर बताकर चलूंगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या कहता है कि ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर इज कवर्ड बाई ए पर्सन हु आल्सो रिटर्न्स टू द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। ठीक है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी जाने तथा वापस आने में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रयोग करता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का करना क्या होता है कि जो एवरेज की बात आ जाती है, तो एवरेज का मतलब वो क्या समझ लेते हैं कि दोनों को जोड़ दो और दो से डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल आएगा। बिल्कुल सही करते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो एवरेज निकालने की बात अगर है तो बिल्कुल दोनों को जोड़ दो से डिवाइड कर दो, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम, वो है एवरेज स्पीड की, औसत गति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब औसत गति की आप बात कर रहे हो ना स्टूडेंट, तब दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड करने पर काम नहीं चलेगा, उस कंडीशन में आप ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या फॉर्मूला है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 into a2 into 80 into 80, मतलब एक बार जाने में 80 और वापस आने में भी 80। ठीक है, और नीचे 80 प्लस 80, 2 into 80 into 80 अपॉन 160 हो जाएगा, 8 दूनी 16 160 कैंसिल हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर सेम ही आएगा, दोनों को जोड़ देते दो से डिवाइड कर देते तो वो सेम आ जाएगा, क्योंकि सेम इसलिए आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जाने और वापस आने में उसकी जो स्पीड है दोनों बार सेम रही है, इसलिए आंसर जो है इसका वो सेम आ गया। बाकी अगर डिफरेंट डिफरेंट होती तो उस कंडीशन में आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि क्या रहेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहां पर एक चीज और पूछ ली जाती है। अब देखिए, ये तो पूछा गया दो स्पीड थी, अगर तीन स्पीड वाला सवाल होता है तब क्या करते हैं, देखो ध्यान देंगे यहां पर, अगर तीन स्पीड वाला सवाल आता है तो आपको क्या फार्मूला यूज करना है? कुछ बच्चे कहेंगे कि जहां 2 रखा हुआ 3 रख लीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। अगर आपसे 3 स्पीड 4 स्पीड 5 स्पीड 6 स्पीड कितनी भी स्पीड वाला सवाल आपके पास आ जाए, फिर आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या करना है, अगर 3 स्पीड वाला सवाल आ जाए तो 3/1x1 + 1/x2 + 1/x3 रख लीजिए। ठीक है, 3 स्पीड वाला सवाल आ जाए तो 3/1x1 + 1/x2 + 1/x3, 2 स्पीड वाला सवाल तो 2/1 अपॉन x1 + 1/x2। ठीक है, चाहे 2xy अपॉन x + y कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, एक ही बात है, 3 के लिए ये रखेंगे। और अगर 4 स्पीड वाला सवाल आता है तो 4/1 अपॉन x1 1/x2 x3 x4। ठीक है, ये 4 स्पीड के लिए आ जाएगा। अगर 5 के लिए आता है तो 5/5 रखेंगे, यहां पर x1 x2 x3 x4 x5, 6 स्पीड आ जाएंगी, 10 स्पीड आ जाएंगी। जितनी भी स्पीड का सवाल आएगा अब आपको इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके पास एक ही ऐसा फार्मूला है जो सभी तरह के, इस तरह के कितनी भी स्पीड वाला क्वेश्चन आ जाए उन सभी पर अप्लाई होगा। कोई दिक्कत किसी भी तरह की आपको इस क्वेश्चन में अब नहीं आने वाली है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये तो हो गया एवरेज स्पीड, 2 स्पीड 3 स्पीड 4 स्पीड 5 स्पीड वाला सवाल अगर पूछा जाए। अब कभी कभी सवाल पूछने का पैटर्न बदल जाता है, जैसे कि अगला सवाल है, लगा दीजिए सर। अब अगले टाइप का सवाल क्या रहेगा, देखिए यहां पर देखिए, आप इसको स्क्रीन पर देखिए। ये तो बिल्कुल सी टाइप का सवाल है। ए मैन कवर्स द जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न
टू ए विद इज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। यहां पर स्पीड दोनों अलग अलग आ गई लेकिन एक ही टाइप का सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 upon 1 upon x1 प्लस 1 upon x2 कर लो, या 2xy upon x+y कर लो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। क्या करना है, 2/1/36 प्लस 1/45, है ना। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा 36 और 45 का 80 हो जाएगा, 36 पंदे और 45 चौका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/9/180, तो कितना हो जाएगा, 9 × 18 = 20, 20 × 40 कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमें यहां पर आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है ना चीजें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्लियर, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। सवाल क्या है, पूछने का तरीका बदल गया, तरीका यह बदल गया कि सवाल यह था कि 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज, ठीक है। एक यात्रा का एक तिहाई भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताइए, ठीक है। अब यहां पर एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए यहां पर जब आपकी जो स्पीड है वो टाइम के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाए या दूरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए, तब आपके ये फार्मूले जो मैंने यहां पर बताए हैं आपको, ये फार्मूले काम नहीं करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट और जाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें कुछ भी टोटल डिस्टेंस माननी होगी, टोटल डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। लेकिन क्या मानेंगे, 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक है, 1/3 बोला, 1/4 बोला, तो 3 और 4 से डिविजिबल वैल्यू ही आप मानिए, ठीक है। 3 और 4 से डिविजिबल वैल्यू यानी कि 12 मान लीजिए, 12 का कोई भी मल्टीपल आप मान सकते हैं, हमने डिस्टेंस 12 ही मान ली, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 12, ठीक है। अब 12 का 1/3 कितना हो गया स्टूडेंट, 12 का 1/3 कितना होता है, 4 हो जाएगा ना, 12 को 3 से डिवाइड कर लेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 हो गई उसकी दूरी, किस स्पीड पर, 25 की स्पीड पर, ठीक है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 4, स्पीड हो गई 25, प्लस 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होगा, 4 × 12, ठीक है, 3 रहेगा, किस स्पीड पर है, स्पीड देख लीजिए कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रिमेनिंग कितनी डिस्टेंस बची, 4 और 3 7 तो कवर हो गई, बाकी कितनी बचेगी, 5 बचेगी, वो किस स्पीड पर है, वो 50 की स्पीड पर, समझ में आ रही है ना बात। तो इसकी एवरेज स्पीड यहां पर निकल आएगी। क्या करना होगा अब आपको आगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 150 ले लो, है ना, 25 × 6 = 24, 30 × 5 = 15, और ये 50 × 150 और 3 × 15, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट यहां पर 12 × 150 क्योंकि ऊपर चला जाएगा और नीचे ये जोड़कर आ जाएगा 24 × 15 = 15, ठीक है, 54 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, 54 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, किससे सॉल्व करें, 3 × 6 = 12, 6 × 5 = 54, ठीक है, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, तो कितना हो गया, 50 × 100, 100/3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 33 and 1/3 किलोमीटर पर आवर, 33 and 1/3 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट आपको इसका सही आंसर यहां पर
मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना। जब भी आपका क्वेश्चन डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड अलग अलग डिवाइड करके दी जाएगी, तो उस सूरत में आपको एवरेज स्पीड इसी तरीके से निकालनी है। पिछले जो सवाल मैंने बताए उन सवालों में क्या था, एक सेम डिस्टेंस होती थी, एक सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर किया गया, कंप्लीट किया गया, तो इसलिए हमने उसे डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया। लेकिन यहां पर डिस्टेंस बदलती जा रही है, पहले 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, बाकी 5 किलोमीटर बच जाता है, तो अलग अलग स्पीड रही है अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से। इसलिए सवाल को सॉल्व करने का तरीका यह रहेगा, 33.3% यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल में क्या है, ए पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाय शिप एट 400 किलोमीटर पर आवर, एंड 100 किलोमीटर बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर भी एवरेज स्पीड निकालने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहली बार में 600 किलोमीटर जाता है, 600 रख दीजिए, अब 600 जाने में उसकी स्पीड कितनी, 80, तो नीचे रखेंगे टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, 600 प्लस बाय 80, ठीक है, 600 में फिर प्लस करेंगे अगली कितनी है 800, 800 को कितनी स्पीड पर कवर किया उसने, वो किया 400। नेक्स्ट कितना है, 100 है, 100 को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो 100 बाय 50 है ना, ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ये भी दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौक 80, और तो ये हो गया 15/2 हो गया, 15/2। ठीक है, 15/2 हो गया, तो ऊपर तो बच गया, अब बना आपका 600 800 800, कितना हो गया 1500, कितना बन गया 1500, और ये बन जाएगा आपका 15/2 प्लस 2 प्लस 2, है ना, यही तो रहेगा। क्या करना है आप, आपको 1500/2 एलसीएम रहेगा 2, पंद्रह चार 19 और 4 23। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1500 × 2/23, तो करीब करीब 3000/23। अब 3000/23 को अगर डिवाइड करेंगे, 23 से 1 टाइम जाएगा, 1 ले लेंगे, बाकी बाद में बचेगा यहां पर 7 और 23 3 69। ठीक है, ना जाने की एक 0 हो जाएगी, और उसके बाद जो बच जाएगा हमारे पास वो 10 बच जाएगा, तो 123 सही 10/23 किलोमीटर पर आवर हमें आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा, 130 सही 10/23 हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में यहां पर दिया गया है। सभी को समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है, पहले वाले में बस हमें डिस्टेंस माननी पड़ी थी, यहां पर सभी डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, दी गई है। ठीक है, तो वही है कि टोटल डिस्टेंस यहां पर रखी, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से अलग अलग स्पीड के हिसाब से अरेंज किया, और उसको सॉल्व करते चले गए, और फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद 130 सही 10/23 किलोमीटर पर आवर हमें सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस का 5th पार्ट, यहां पर हमने डिस्कस किए क्वेश्चन, और वो क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चन एवरेज स्पीड से रिलेटेड। एवरेज स्पीड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके आगामी परीक्षाओं में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या फेस करनी ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।